जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कैंसर पर बोली एक ट्रेस मनीषा को इराला, जिंदगी फूलों की सेज नहीं। फिल्म अभिनेत्री मनीषा को इराला ने रविवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कैंसर से लड़ी अपनी जंग की एक एक बात बताई। गौरतलब है कि हाल ही में अभिनेत्री ने एक किताब भी लॉन्च की है जिसमें उन्होंने जीवन में किए संघर्ष को बतलाया है। वहीं मनीषा ने फेस्टिवल बताया बुरा दौर आपकी सफलता को नहीं रोक सकता, लेकिन यह समय कुछ सिखाने और सीखने का होता है। फेस्टिवल में मनीषा ने कई बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन फूलों की सेज नहीं होती, उतार चढ़ाव जिंदगी का असल पहलू है। बस हर इंसान को समझना चाहिए कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। मनीषा ने कहा कैंसर ने मुझे एक इंसान के तौर पर बदल दिया है और कहीं ज्यादा दयालु और सौम्य भी हो गई हूँ और प्रकृति के हर पहलू का आनंद ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों और सरकार के बीच साझेदारी बहुत जरूरी है ताकि भारत में मरीजों को सस्ता मेडिकल उपचार आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। मनीषा ने आगे कहा विकासशील देशों में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि विकसित देश इस चीज को पहले ही समझ चुके हैं और सही समय पर इलाज करवाने में सक्षम हैं। यही कारण है कि वहां कैंसर शुरुआती स्तर पर ही ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे शरीर ने भी समय रहते मुझे इसके संकेत दे दिए थे। उधर मैं इससे बिल्कुल अनजान थी। अगर मुझे इस बीमारी का पहले ही एहसास हो जाता तो मैं पहले ही इलाज करवा कर ठीक हो जाती। बता दें कि कैंसर की जंग जीतने के बाद मनीषा को इराला ने किताब लिखी और अब उसके प्रमोशन में व्यस्त हो गई थीं। मनीषा ने कहा था कि यह बहुत दर्दनाक है कि किताब के प्रमोशन के दौरान वो सारी बातें मुझे दोबारा याद आ गईं। उन्हें फिर से याद करना कैंसर की यादें ताज़ा करने जैसा है।